आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के सभी घरों पर 11 से 17 अगस्त तक तिरंगा फहराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, प्रदेश के 3,50,00,000 घरों पर तिरंगा फहराने का है लक्ष्य। तिरंगा फहराने के लिए किया जाए प्रचार प्रसार। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल मीडिया से हुए रूबरू। कहा, 18 जुलाई से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं अब प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जानी जाएंगी पीएम अजय के नाम से। हत्या के प्रयास के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों को प्रभात यादव उर्फ अंकित यादव और विशाल यादव उर्फ पम्मू को सहजनवा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भारत के पहले रेड हेडेड ब्लचर राजगिद्ध प्रजनन एवं संवर्धन केंद्र बनकर लगभग तैयार। सीएम योगी 3 सितंबर को कर सकते हैं लोकार्पण। श्री रामचरितमानस में जिस जटायु का उल्लेख है वही प्रजाति है रेड हेडेड ब्लचर राजगिद्ध। जटायु ने ही माता सीता को रावण से बचाने के प्रयास में दे दिए थे अपने प्राण। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंकों के शाखा प्रबंधकों का एक दिवसीय वित्त एवं वित्तीय समावेशन उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सकुशल हुआ संपन्न। समूह गठन CCL सहित अन्य समस्याओं के समाधान की दी गई जानकारी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में की बैठक। प्रदेश सरकार के द्वारा चल रही कल्याणकारी योजनाओं का अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ दिलवाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। GST पंजीयन हेतु वाणिज्य कर विभाग द्वारा चलाया जाएगा विशेष जागरूकता अभियान। सहायक आयुक्त ने कहा, GST पंजीयन से व्यापारी उन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं जिसके वह हैं हकदार। रामगढ़ताल की तर्ज पर अब राप्ती नदी में भी चलेगी मोटर चालित बड़ी नाव। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, शिकारा मोटर चालित बड़ी नाव बनाकर लोगों को नौकायन का देंगे मौका, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। जिला अस्पताल के OPD में बढ़ी मरीजों की संख्या। SIC डॉक्टर JSP सिंह ने कहा, उमस और गर्मी के कारण आ रहे हैं तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित मरीज। और सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सुरक्षा व्यवस्था के रहे पुख्ता इंतजाम। कहा, सोमवार के दिन जल चढ़ाने से भगवान शिव होते हैं प्रसन्न, पितृदोष होता है दूर।